Gaza has become a graveyard for children. Thousands of Palestinians are dead. ودماء شهدائنا تشهد. वाकया करबला तारीख आलम का एक ऐसा वाकया है जो मजलूम को जालिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा हौसला देता रहेगा। 10 मुहर्रम साल 61 हिजरी का दिन एक ऐसा दिन है जिसे याद करके आज भी लोग अपने आंखों से गिरते हुए आंसुओं को नहीं रोक पाते। आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के सिर्फ 50 सालों बाद ऐसा क्या हुआ था जिसने इस्लाम को शुरू होते ही ख़त्म होने से बचा लिया था। इस वाक़े ने दुनिया के सामने इस्लाम के हुर्रियत, आज़ादी और कुर्बानी वाले पहलू को सामने लाकर रख दिया। इस्लाम की कहानी करबला तक कैसे पहुंची, इसकी एक लंबी दास्तान है, लेकिन मुख्तसर वाक़या करबला कुछ यूं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद कुछ लोग ताकत व हुकूमत के लालची हो गए, क्योंकि इस्लाम जिस तेज़ी से फैल रहा था अब बहुत जल्द ये दुनिया का सुपर पावर बनने वाला था। इन हुकूमत के ख्वाहिशमंदों का मकसद इस्लाम को इस्तेमाल करना था। उन लोगों में सबसे आगे बनू उमैया कबीला था। लिहाजा जब इस्लामी हुकूमत बनू उमैया के हाथों में आई तो अमीर मुआविया ने इमाम अली और फिर आपके बेटे इमाम हसन से जंगें लड़ी, क्योंकि अब अहले बैत रसूल ही इस्लामी खिलाफत के हकदार थे। यहीं से अमीर मुआविया ने करबला की बुनियाद रख दी थी। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया तो उसके बाद अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को मुस्लिम रियासत का खलीफा होने का ऐलान कर दिया। यजीद एक शराबी, जानी, नशाखोर और बेदीन शख्स था, लेकिन इस्लामी शरीयत के बरखिलाफ़ मुसलमानों के राय मशवरे और इंतखाब के बग़ैर ही अमीर मुआविया ने यजीद को खलीफा बना दिया। 60 हिजरी में जब अमीर मुआविया की वफ़ात हुई तो यजीद खिलाफत के तख्त पर बैठता है। फौरन ही वो अपने लश्कर और फौज के ज़रिया इस्लामी दुनिया को मजबूर करता है कि सब लोग उसकी बैत करें, लेकिन यजीद की ताकत और कुफ्र के आगे एक शख्स दीवार बनकर खड़ा हो गया। ये शख्स इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे, इमाम हसन के छोटे भाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम थे। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया, लेकिन यजीद के लिए ये ज़रूरी था कि वो इमाम हुसैन से बैत ले, क्योंकि अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो तमाम इस्लामी दुनिया यजीद को खलीफा मान लेती और उसकी खिलाफत पर मुहर लग जाती। जब यजीद के लाख जोर देने के बावजूद हुसैन इब्ने अली ने बैत से इनकार कर दिया तो यजीद ने आपको कत्ल करने का फ़ैसला किया। लिहाजा इमाम हुसैन मक्का छोड़कर इराक़ के शहर कूफा के जानिब सफ़र की शुरुआत की, क्योंकि कूफा में हुसैन इब्ने अली के हामी और अहले बैत रसूल के चाहने वाले थे और वहाँ के लोग यजीद के जुल्म से परेशान होकर इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दे रहे थे ताकि इमाम हुसैन की रहनुमाई में वहाँ एक फ़ौज तैयार की जाए और यजीद के ख़िलाफ़ बगावत की जाए। मक्का से कूफा का ये सफ़र तवील और सख्त था। 2 मुहर्रम साल 61 हिजरी को इमाम हुसैन अपने अहले बैत और सिर्फ 72 साथियों समेत करबला पहुँचे। यहाँ 30,000 यजीदी लश्कर ने आपका रास्ता रोक दिया और इमाम हुसैन और अहले बैत के साथ जुल्म और हैवानियत की एक ऐसी दास्तान लिखी जो आज भी इंसानी दिमाग को झिंझोड़ कर रख देती है।
यजीद के हुक्म से इमाम हुसैन के लिए फरात का पानी बंद कर दिया गया। 3 दिनों तक आपके छोटे छोटे बच्चे, भतीजे और औरतें प्यास और भूख से तड़पती रहीं। एक एक कर तमाम जवानों, सिपाहियों और आपके साथियों सबको शहीद कर दिया गया। यहां तक के 6 माह के शीरखार बच्चे तक को न छोड़ा गया। 10 मुहर्रम के दिन हुसैन इब्ने अली मैदान में उतरे। घमसान की जंग हुई और दोपहर तक करबला का मैदान एक खून के दरिया में तब्दील हो चुका था। आखिर में मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहि सलाम के तमाम साथी शहीद हो गए और आप तन्हा रह गए। इमाम हुसैन अपनी तलवार जुल्फकार को लेकर आखिरी दम तक इस्लाम की बका के लिए लड़ते रहे और आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मज़लूम नवासे को शहीद कर दिया गया। हुसैन इब्न अली की ये शहादत तमाम इंसानियत के लिए ये पैगाम था कि कुफ्र और जुल्म के आगे सर ना झुकाने का नाम ही इस्लाम है। ख्वा हम तादाद में कितने ही कम हों, ख्वा बगावत करने पर शिकस्त हतमी हो, लेकिन ये शहादत और कुर्बानी ही हक की जीत है। यही पैगाम हुसैन इब्न अली ने अपने खून से तमाम इंसानियत को दिया। मुहर्रमुल हराम के महीने में हर साल पूरी दुनिया में मुसलमान सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं और गम मनाते हैं। मुहर्रम का चांद नज़र आते ही आलम इस्लाम में अहले बैत की याद में सफ़े मातम बिछ जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या करबला सिर्फ 61 हिजरी तक ही महदूद है? क्या करबला में अजीम तरीन मुकद्दस हस्तियों की कुर्बानी फ़कत 61 हिजरी के लिए थी? शायद ऐसा नहीं है, बल्कि आज भी अगर हम देखें तो दुनिया में हमें कहीं करबलाए अफ़गानिस्तान नज़र आती है, कहीं करबलाए इराक, कहीं करबलाए मिस्र, कहीं करबलाए शाम, तो कहीं करबलाए लिबनान। गर्ज़ ये कि इन सब में सबसे बड़ी करबला हमें करबलाए फ़लस्तीन नज़र आती है और इन तमाम मकामात को एक ही कुव्वत का सामना है जिसे वक्त का यजीद यानी अमरीका और इसराइल कहा जाता है। करबलाए फ़लस्तीन आज भी 61 हिजरी की करबला का मंजर पेश कर रही है कि जहां वक्त का यजीद इसराइल काबिज है। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इंसानियत सोज मजालिम के ज़रिया ये ममालिक अपने जालिम होने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि पूरी दुनिया में 2 मिलियन मुसलमान मौजूद होने के बावजूद भी करबलाए फ़लस्तीन को निजात दिलवाने में हम नाकाम हैं। ये मुस्लिम उम्मा की खामोशी है जिसने करबलाए फ़लस्तीन को इसराइल के रहम करम पर छोड़ रखा है। अजीम मुफक्करे इस्लाम शहीद मुर्तुज़ा मज़हरी ने अपनी तहरीर में लिखा था कि अगर आज इमाम हुसैन मौजूद होते तो वो फ़लस्तीन के लिए क़याम करते। इमाम हुसैन के लिए आज फ़लस्तीन का जिहाद और इसराइली दुश्मनों से मज़लूम भाइयों को आज़ादी दिलवाना बिल्कुल उसी तरह ऐन फ़र्ज़ होता जैसे आप कूफियों के लिखे खतूत और यजीद की तरफ से की जाने वाली जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। करबला में शहादत हुसैन का दर्स जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने, आज़ादी के लिए बगावत करने और हुर्रियत इंसानियत का दर्स था, लेकिन अफसोस कि हमें करबला सिर्फ रोने धोने और मातम करने के लिए सुनाई गई। हुसैन इब्ने अली के क़याम का मकसद बातिल के मुकाबिल नारे तकबीर कहते हुए डट जाना था। करबला के इस दर्स को उन मज़लूम फ़लस्तीनियों ने साबित करके दिखाया जिन्होंने जदीद तोप, हथियारों और बंदूक के सामने पत्थर हाथ में लेकर खड़े हो गए और मुस्लिम उम्मा को पैगाम दिया कि ग़ुलामी की तौक आज भी हम अपने गर्दनों से उतार सकते हैं। आज गजा पट्टी में 11 लाख से ज़ायद मज़लूम फ़लस्तीनियों को यहाँ बंद करके उन तक खाने पीने के सामान तक का पहुँचाना नामुमकिन बना दिया गया है। बूढ़े आसमान की तरफ देख रहे हैं, माएँ रो रही हैं, बच्चे भूख प्यास से बिलक रहे हैं। ये करबला का ही एक मंज़र है जहाँ काफ़िला हुसैनी पर यजीदियों ने पानी बंद कर दिया था। बच्चों तक के लिए पानी की बूंद मयसर न थी। मासूम अली असगर को तीर से शहीद कर दिया गया था। पाक दामन बीबियों को सरे बाजार रुसवा किया गया था। यही कुछ आज फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। उन दिनों अगर आलम इस्लाम इमाम हुसैन का साथ देती तो वाकया करबला बरपा ना होता। जिस तरह इन दिनों वो ममालिक और रहनुमा जो फ़लस्तीन पर हो रहे जुल्म को रोक सकते हैं वो खामोश हैं। फ़लस्तीन में करबला की वही तारीख हमें आज भी दोहराई जाती नज़र आ रही है।